हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G54 फ़ोन है, तो मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शंस हैं, तो एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शंस को कैसे ऑन कर सकते हैं और कैसे आप हॉटस्पॉट की जो स्पीड होती है, तो हॉटस्पॉट स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर, और कैसे आप हॉटस्पॉट स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन ही आएंगे, फिर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स आइकन का, तो आपको सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना, और क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगा। ओपन होते फिर आपके पास ये ऑप्शन आता है, हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग सेटिंग। तो हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग सेटिंग पे जाना है, जिसके ज़रिए आप हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं हॉटस्पॉट स्पीड को। तो आप देख सकते हैं आपको कैसे करना है। सिंपली आपको वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स पे जाना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हॉटस्पॉट स्पीड को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं, जैसे अगर आपके फ़ोन में ये एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शंस है ऑफ़ हो रखा है, तो ऑफ़ हो रखा है तो जो आपकी हॉटस्पॉट की स्पीड है आपके फ़ोन में इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर रखा है। जब आप इसको ऑन कर दोगे, तो ऑन करके आप हॉटस्पॉट की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा हॉटस्पॉट नेटवर्क है सही तरीके से चलेगा और इंटरनेट स्पीड भी हमारे फ़ोन में आने लगेगी। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से हॉटस्पॉट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और साथ में इसते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शन शो हो जाते हैं, जैसे टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली ऑप्शंस को ऑन ऑफ करके नेटवर्क को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं, या हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हो, ऑफ़ करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को